हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम मुक्त व्यापार या जिसे हम स्वतंत्र व्यापार भी कहते हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे, फ्री ट्रेड। और फिर दूसरा पार्ट जो आएगा उसमें हम संरक्षण या जिसे प्रोटेक्शन कहा जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम केवल मुक्त व्यापार नीति या स्वतंत्र व्यापार नीति के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुक्त व्यापार या स्वतंत्र व्यापार नीति किसे कहते हैं। ठीक है, जब किन्हीं दो देशों के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है या जो आयात एवं निर्यात होते हैं वो बिना किसी रुकावट के होते हैं, पूर्ण स्वतंत्रता के साथ में होते हैं। ठीक है, एक देश के द्वारा जो आयात किए जा रहे हैं, जो निर्यात किए जा रहे हैं, दूसरे देश के द्वारा जो आयात निर्यात किए जाते हैं, उन पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण अगर नहीं लगाया जाता है, न तो उन पर कोई प्रशुल्क लगाया जाता है और न ही उन पर किसी प्रकार का कोई मात्रात्मक नियंत्रण होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मुक्त व्यापार कहते हैं। एक देश के द्वारा दूसरे देश में कितनी ही वस्तुओं का आयात किया जा सकता है या निर्यात किया जा सकता है उसकी कोई मात्रा निर्धारित नहीं होती है और ना ही उस पर किसी प्रकार के कोई प्रशुल्क लगते हैं। तो इसी नीति को हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र व्यापार नीति या मुक्त व्यापार नीति। ठीक है, अर्थात मुक्त व्यापार क्या हो गया, जिसमें किसी प्रकार का प्रशुल्क है या कोटा, अभ्यंश, ठीक है, जो मात्रात्मक नियंत्रण होते हैं, विनिमय नियंत्रण है, करों तथा आर्थिक सहायता आदि का अभाव होता है, तो ऐसे व्यापार को हम क्या कहते हैं, मुक्त व्यापार कहते हैं। अब देखिए, प्रोफेसर लिप्सी जो हैं वो मुक्त व्यापार को कैसे परिभाषित करते हैं। प्रोफेसर लिप्सी कहते हैं कि मुक्त व्यापार वह है जिसमें आयात तथा निर्यात करने पर कोई प्रशुल्क और किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इसका एक अपवाद है। ठीक है, जो मुक्त व्यापार नीति है या स्वतंत्र व्यापार नीति है, इसका क्या अपवाद है कि जो प्रशुल्क लगाया जाता है, ठीक है, वो किस लिए लगाए जाते हैं, संरक्षण के लिए नहीं लगाए जाते हैं। किस लिए लगाए जाते हैं, राजस्व के लिए। ठीक है, सरकार के अपने जो प्रशासनिक खर्चे होते हैं उनको पूरा करने के लिए प्रशुल्क लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक अपवाद क्या माना जाता है कि मुक्त व्यापार के अंतर्गत संरक्षण के लिए नहीं बल्कि राजस्व के लिए आयात शुल्क लगाए जा सकते हैं। ठीक है, अब संरक्षण क्या होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब देखिए, इसका एक हम उदाहरण लेते हैं कि यदि सरकार क्या करती है, जो किसी देश के आयात हैं, ठीक है, उस देश के जो आयात हैं उस पर अगर वो 20% आयात शुल्क लगा देती हैं, तो ऐसी स्थिति में उन वस्तुओं पर, ठीक है, जिन पर लाभ कितना हो रहा है, 20% से अधिक, ठीक है, लागत लाभ 20% से अधिक हैं, तो उन विदेशी वस्तुओं के आयात पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो पहले जिस तरीके से चल रहा था उसी तरीके से चलता रहेगा। लेकिन जिन वस्तुओं का हम आयात कर रहे हैं और उन पर लाभ कितना है, लागत लाभ कितना है, अगर 20% से कम है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया कि जो मुक्त व्यापार है वो एक तरह से समाप्त हो गया। मतलब जो शुल्क लगाया गया है, जो प्रशुल्क लगाया गया है, जिसको हम आयात शुल्क कहते हैं, वो किस लिए लगाया गया है, संरक्षण के लिए लगाया गया है। ठीक है, तो मुक्त व्यापार में ये स्थिति नहीं होती। ठीक है, मुक्त व्यापार में क्या होता है, सरकार, जैसे माना कि हम किसी वस्तु का आयात कर रहे हैं, तो आयातक देश को लागत लाभ कितना हो रहा है, माना कि उस वस्तु पर 20%, ठीक है, 100 रुपये का माल भेजता है तो उसको 20 रुपये लाभ हो रहा है। ठीक है, लागत पर लाभ हो रहा है। अब सरकार ने क्या कर दिया, अगर इस पर 20 रुपये का टैक्स लगा दिया है, तो इस स्थिति में मतलब अधिकतम मात्रा हो गई है 20%। ठीक है, अगर इससे अधिक टैक्स लगा देती है तो वो किसको बताता है, संरक्षण को बताता है। ठीक है, लेकिन सरकार अगर 20% से कम अगर प्रशुल्क लगाते हैं, तो इसी स्थिति में उस वस्तु के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मुक्त व्यापार नीति कहते हैं। ठीक है, तो कोई देश अगर मुक्त व्यापार नीति अपनाता है, तो ऐसी स्थिति में अगर वो आयातों पर शुल्क भी लगाता है, तो निम्नतम लागत वाली विदेशी वस्तुओं के लागत लाभ से जो प्रशुल्क है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी हम कहते हैं कि वो देश क्या कर रहा है, मुक्त व्यापार नीति को अपना रहा है।
अब देखिए जो अर्थशास्त्री हैं वो मुक्त व्यापार के पक्ष में क्या क्या तर्क देते हैं। जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे ठीक है, वो क्या मानते थे कि जो अर्थव्यवस्था है ठीक है उसमें व्यापार किस प्रकार का है, मुक्त व्यापार है ठीक है। लेकिन जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं हेबरलैंड ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि जो मुक्त व्यापार है उसके पक्ष में कुछ उन्होंने तर्क दिए हैं ठीक है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला हमारा है उत्पादन को अधिकतम बनाना ठीक है। अर्थशास्त्री क्या मानते हैं कि जब अर्थव्यवस्था में मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, कोई देश अगर किसी वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करता है तो ऐसी स्थिति में उसको लाभ की प्राप्ति होती है ठीक। क्यों? क्योंकि वह विशिष्टीकरण से किसी वस्तु को कम लागत पर अधिकतम मात्रा में उत्पादित कर सकता है और उसे दूसरे देश को निर्यात कर देता है, जिससे उसकी जो राष्ट्रीय आय है उसमें वृद्धि हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, उसका जो उत्पादन है वो क्या हो गया है, अधिकतम हो गया है। दूसरा है संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग, संसाधनों का इष्टतम प्रयोग ठीक है। मुक्त व्यापार नीति से क्या होता है, कोई देश विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन को अपनाता है और श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण से क्या होता है, उस देश के पास में जो संसाधन उपलब्ध होते हैं ठीक है वो अधिकतम अच्छे से प्रयोग हो जाते हैं ठीक है। उनको रोजगार में लगाया जाता है, उन साधनों का कुशलता पूर्वक आवंटन हो जाता है ठीक है, जिससे क्या होता है उन संसाधनों का अधिकतम अनुकूलतम प्रयोग हो जाता है। फिर है उपभोग को अनुकूलतम बनाना। मुक्त व्यापार नीति एक तरह से क्या बताती है कि अनुकूलतम उपभोग की मात्रा क्या होगी, उपभोक्ताओं को लाभ कहाँ पे होगा ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, विदेशों से न्यूनतम कीमत वाली वस्तुओं को खरीद लेते हैं ठीक है, जिससे लोगों का जीवन स्तर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फिर उसके बाद में है शिक्षा प्रद मूल्य। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या होता है, विभिन्न देशों में प्रतियोगिता होती है और प्रतियोगिता से उत्पादकता में वृद्धि होती है ठीक है। जो उत्पादक है, जो काम करने वाले हैं ठीक है, उनके लिए क्या सुनिश्चित करता है कि वो अवकाश का त्याग करें, नए नए अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन है उनको अपनाएं, नए उत्पादन की तकनीक को अपनाएं ठीक है। तो उनको हम क्या कहते हैं, शिक्षा प्रद मूल्य कहते हैं। फिर है विस्तृत बाजार, यहाँ पर हमारा है एकाधिकारी स्थिति पर नियंत्रण ठीक है। जब मुक्त व्यापार होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकाधिकार की स्थिति होती है उस पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है ठीक है। जब कोई वस्तु अगर हमारे यहाँ पर उपलब्ध नहीं है तो उसे हम आयातों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में एकाधिकारी की जो स्थिति है वो नहीं होती है। फिर है ऊंची साधनाएं। जब मुक्त व्यापार होता है तो उत्पादन के जो साधन होते हैं वो पूर्ण रूप से गतिशील होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक देश से दूसरे देश में आसानी से आ जा सकते हैं। तो मुक्त व्यापार से क्या होता है, जो मजदूरी है, ब्याज है, लगान है, लाभ है ठीक है, इन सभी में क्या होती है, वृद्धि होती है ठीक है, जिससे वास्तविक राष्ट्रीय आय क्या होती है, बढ़ती है। फिर नेक्स्ट हमारा है आविष्कारों को प्रोत्साहन। जो स्वतंत्र व्यापार नीति है वो एक तरह से क्या करती हैं, नए नए आविष्कारों को प्रोत्साहन करती हैं ठीक है। कोई भी राष्ट्र किसी वस्तु को कम कीमत पर कैसे उत्पादित कर सकता है, नए नए जो तकनीक है, नए नए जो परिवर्तन है, नए बाजार का विस्तार है, नए कच्चे माल के स्रोतों की खोज है, इन आदि की वो प्रेरणा देता है। नेक्स्ट हमारा है परिवहन एवं संचार का विकास ठीक है। जब मुक्त व्यापार होता है वो कहाँ पे होता है, देश के अंदर ही होता है ठीक है, सॉरी मुक्त व्यापार देश के अंदर होने के साथ साथ में विभिन्न देशों के बीच में होता है ठीक है। और जब विभिन्न देशों के बीच में होता है तो माल को लाने ले जाने के लिए ठीक है, उनके जो उत्पादक हैं, जो खरीदने वाले, उनके बीच में आपसी जो संचार है, तो इससे क्या होता है, जो परिवहन और संचार के साधन हैं उनका विकास होता है ठीक है। रेल हैं, सड़क हैं, सामुद्रिक परिवहन हो सकता है, हवाई जहाज हो सकते हैं ठीक है। तो इनसे क्या होता है, जो वस्तु हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्रता के साथ में भेजा जा सकता है, और साथ साथ में जो इंटरनेट है, ईमेल है, ई कॉमर्स है ठीक है, इनका भी विकास होता है।
नेक्स्ट हमारा है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि। जब मुक्त व्यापार होता है तो इस स्थिति में क्या होता है, विभिन्न देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जो भावना है वो बढ़ती है। ठीक है, जैसे हम WTO देखते हैं तो WTO जो विश्व व्यापार संगठन है वो क्या करता है, विभिन्न देशों के बीच में जो व्यापार होता है, ठीक है, अगर उनमें कोई समस्या होती है तो उनको दूर करने का प्रयास करता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को वो बढ़ावा देता है। नेक्स्ट हमारा है आर्थिक विकास के लिए सर्वोत्तम नीति। ठीक है, प्रोफेसर हेबर जो है वो क्या बताते हैं कि जब विभिन्न देशों के बीच में मुक्त व्यापार होता है तो मुक्त व्यापार होने से क्या होता है, कोई देश आर्थिक विकास के लिए कौन सी अच्छी तकनीक अपना सकता है। ठीक है, अगर उनके पास में जो अगर पूंजी है तो पूंजी का अभाव है तो पूंजी को वो आयात कर सकता है, कोई नई तकनीक है तो उसे वो विदेशों से मंगा सकता है। ठीक है, तकनीकी ज्ञान, प्रबंध की अगर क्षमताओं की कमी है, ठीक है, तो उन सभी का वो क्या कर सकता है, आयात कर सकता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जो प्रतियोगिता होती है वो बढ़ती है और जो एकाधिकार की स्थिति जो है वो एक तरह से रुक जाती है। नेक्स्ट हमारा है मुक्त व्यापार के विपक्ष में तर्क। ठीक है, मुक्त व्यापार जब किया जाता है तो उससे बहुत सारे लाभ होते हैं, ठीक है, जो हमने अभी पढ़े हैं, लेकिन इससे क्या होता है, कुछ हानियां भी हो सकती हैं, इसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि कौन कौन से हो सकते हैं, तो पहला हमारा है अबंध नीति और पूर्ण प्रतियोगिता का न पाए जाना। ठीक है, मुक्त व्यापार नीति वो क्या बताते हैं, तो विभिन्न देशों में व्यापार जो होता है वो स्वतंत्र होता है, ठीक है, अबंध रूप से होता है, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है और अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। ठीक है, लेकिन वास्तविक जीवन में अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार की स्थिति नहीं पाई जाती है। ठीक है, वास्तविक जीवन में जैसे एकाधिकार की स्थिति या उत्पादक संघ पाए जाते हैं, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार पाए जाते हैं, ठीक है, प्रशुल्क लगाए जाते हैं। दूसरा हमारा है एक पक्षी विकास। ठीक है, मुक्त व्यापार नीति है, इससे क्या होता है, कुछ ही उद्योगों का विस्तार होता है, ठीक है, जिनमें तुलनात्मक लाभ अधिक होता है, तो इस स्थिति में अन्य उद्योगों का विकास नहीं हो पाता है। नेक्स्ट हमारा है घटिया और हानिकारक वस्तुओं का उत्पादन। मुक्त व्यापार से क्या होता है कि विभिन्न देशों के बीच में जो वस्तुएं आने और जाने पर किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में घटिया और हानिकारक वस्तुओं का उत्पादन और व्यापार करने की संभावना बनी रहती है, जिससे सामाजिक कल्याण में कमी आ सकती है। फिर है राशि पातन। जो देश किसी साधन में अगर संपन्नता लिए हुए हैं, ठीक है, तो उस साधन की संपन्नता से क्या होता है, वो दूसरी देश की तुलना में किसी वस्तु को कम लागत पर उत्पादित कर सकता है और विभिन्न देशों में वो कम कीमत पर अगर उस वस्तु को बेच देता है, तो ऐसी स्थिति में विभिन्न देशों में क्या होता है, प्रतियोगिता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, गलाकाट प्रतियोगिता। नेक्स्ट हमारा है एकाधिकार का जन्म। ठीक है, जब विभिन्न देशों के बीच में मुक्त व्यापार नीति होती है तो मुक्त व्यापार नीति से क्या होता है, जो घरेलू उद्योग हैं, ठीक है, वो हो सकता है बंद हो जाए। ठीक है, जिससे क्या होता है, एकाधिकार की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, और इसी कारण क्या होता है, विभिन्न देश क्या करते हैं, संरक्षण की नीति को अपनाते हैं। फिर है देशों का शोषण एवं उपनिवेशीकरण। ठीक है, जब मुक्त व्यापार होता है तो मुक्त व्यापार नीति जो होती है वो अल्प विकसित देशों के लिए विकास में सहायक नहीं होती है। ठीक है, कुछ अर्थशास्त्री ऐसा मानते हैं कि इससे अल्प विकसित देशों का एक तरह से शोषण होता है। ठीक है, और जो उत्पादक देश हैं वो उपनिवेशीकरण को उस देश में अपना लेता है। फिर है आर्थिक निर्भरता। मुक्त व्यापार नीति से क्या होता है, जो पिछड़े देश हैं, ठीक है, वो दूसरे देश के ऊपर उनकी जो निर्भरता होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। ठीक है, उनके लिए पूंजी की हो सकती है, कच्चे माल की जो निर्भरता है वो विकसित देशों पर उनको निर्भर रहना पड़ता है। और लास्ट हमारा है व्यापार चक्र। ठीक है, जब मुक्त व्यापार की नीति होती है तो इस स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तेजी और मंदी की स्थिति आती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उतार चढ़ाव होते हैं। ठीक है, और मंदी की जब स्थिति आती है तो वो एक तरह से क्या होती है, बहुत ही खतरनाक होती है। ठीक है, विश्व में अगर हम देखते हैं तो 1930 की जो मंदी आई थी, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। और फिर